जी आप कौन? मेरा नाम अस्मा है। शावेज की बात? कौन है ईशल? मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? जी आप कौन? फरमाइए। कितनी अजीब बात है कि मैं आप लोगों की रिश्तेदार हूँ लेकिन आप लोग मुझे पहचानते नहीं। हमारे रिश्तेदार? लेकिन मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं अस्मा हूँ, शावेज की बीवी। अरे तो बेटा बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। आओ आओ बेटा, आइए। अब बैठो। अच्छा तो तुम ईशल हो? खैरियत? कैसे आना हुआ? फासले हो गए हमारे दरमियान, उन्हें मिटाने के लिए आई। आखिर इस खानदान की बहू हूं मैं, क्या मेरा हक नहीं है कि मैं आप लोगों से मिलूं और आप लोग मुझसे मिलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम खुद आ गई। मैं तो खुद तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन बस हमारा जाना ही नहीं हो पा रहा था। मैं जानती हूँ, रबी आंटी ने नहीं आने दिया होगा आपको। नहीं, हमारा जाने का इरादा ही नहीं था क्योंकि शावेज ने खुद ही हमसे मिलना छोड़ दिया। हमें कोई जरूरत नहीं कि जबरदस्ती के रिश्ते रखें। रिश्तेदारी तो बराबरी की बुनियाद पर निभाई जाती है। अगर वो हमसे मिलता तो हम भी मिलते। इसीलिए तो मैं यहाँ आई। मैं इन रिश्तों को दोबारा से जोड़ना चाहती हूँ। अब गुस्से आंटी को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आपको नहीं पहचानती। ये रक्षी आपा है, मेरी बड़ी बहन। अच्छा तो फिर तो आप भी हमारी रिश्तेदार हो। शायद ईश्वर मुझसे नाराज है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो क्यों नाराज हो? उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। हाँ अलबत्ता उसकी मर्जी है, यहां बैठे या ना बैठे।